तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सालानी और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएमसी हल्द्वानी के बारे में। तो ये वाली जो वीडियो है मेडिकल कॉलेज रिव्यू की जो प्लेलिस्ट है उसका एक पार्ट है। उसमें मैंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के रिव्यूज़ कर रखे हैं और उसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भी नए मेडिकल कॉलेज में उसमें डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो सीरी को भी पता लग गया है कि मेडिकल कॉलेज के जो रिव्यू हैं वो अच्छे कौन बनाते हैं यूट्यूब पर। तो पूछते हैं, हाय सीरी, बताना जरा मेडिकल कॉलेज के जो रिव्यूज़ हैं अच्छे कौन बनाता है यूट्यूब पर। क्या मतलब, खरीद लो मेरे को पहले। तो आपको पीपीटी दिख रही होगी, तो ये पीपीटी को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा होगा, तो उस पे जाके आप गूगल ड्राइव का लिंक है उसमें जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपको कुछ डेटा दोबारा चेक करना है तो। पर अभी कॉलेज रिव्यू चालू करते हैं। तो कॉलेज का जो नाम है वो है जीएमसी हल्द्वानी, फुल फॉर्म बोले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ हल्द्वानी। और मैंने यहाँ पे अच्छे से कैंपस की एक फोटो लगा रखी है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी साइट पे बहुत अलग अलग डाल दे रखा है। यूट्यूब पे कोई और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, और अलग अलग साइटों पे अलग अलग दे रखा है। पर इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पे बोल रखा है कि 19 मार्च 1997 को ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया था कि ये कॉलेज बन रहा है। तो 1997 के हिसाब से हम लेंगे इसका एस्टैब्लिशमेंट। और अगर लोकेशन की बात करते हैं तो रामपुर हल्द्वानी में आपका लोकेटेड है। और मैंने यहाँ पे पिन कोड दे रखा है गूगल मैप में, अगर आपको ढूंढना तो ये आसानी हो जाएगी। एफिलेटेड है ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी ऑफ नैनीताल। नैनीताल की जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है उसके लिए, उससे एफिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से इसको फंडिंग और जो भी आदेश वगैरह मिलते हैं वो उस कॉलेज से मिलते हैं, तो उससे जुड़ के ये काम करता है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कॉलेज की कनेक्टिविटी जानना बहुत जरूरी है, वो किस तरह से सिटी से और ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है। तो पहले रेलवेज़ की बात करते हैं, तो रेलवेज़ में नियरेस्ट जो रेलवे है हल्द्वानी स्टेशन है या फिर जंक्शन बोल सकते हैं, वहाँ वो आपका लगभग लगभग 2.5 किलोमीटर या फिर 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आपको नियरली 15 मिनट लगेंगे बस कॉलेज से स्टेशन तक पहुंचने में। अगर एयरपोर्ट की बात करते हैं, आपको प्लेन से जाना है तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो पंतनगर एयरपोर्ट है, और वो 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा वहाँ तक जाने में। तो कनेक्टिविटी एज सच कोई इशू नहीं है, वो वेल कनेक्टेड है ट्रांसपोर्ट से भी, और सिटी भी इसके बहुत पास है, तो कनेक्टिविटी की कोई एज सच इशू नहीं है। कोर्सेज एंड सीट्स की बात कर लेते हैं, तो पहले देखेंगे सीट्स कितनी है, फिर देखेंगे उनके कट ऑफ कितना। तो पहले कोर्स एंड सीट्स की बात करते हैं, तो टोटल 2 टाइप के या फिर कह सकते हैं 3 टाइप होते हैं, पीजी कोर्सेज और यूजी कोर्सेज। यूजी कोर्सेज में आपका एमबीबीएस हो गया और पीजी कोर्सेज में आपका एमडीएमएस हो गया। सीट्स की बात करते हैं तो आपकी सीट्स जो है वो यूजी कोर्सेज में 125 सीट्स हर साल नीट के थ्रू, नीट यूजी के तो इसमें एडमिशन होता है। और पीजी कोर्सेज की बात करते हैं तो 65 सीट्स इसमें अवेलेबल रहते हैं, जिसमें नीट पीजी का जो एग्जाम होता है उसको आप क्रैक करिए, उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन के लिए भी दो कैटेगरीज मतलब दो टाइप के कोटाज होते हैं। पहला तो है ऑल इंडिया कोटा, उसके बाद है स्टेट कोटा। तो इसमें 85% स्टेट कोटा के लिए रिजर्वेशन रहता है, और 15% आपका जो ऑल इंडिया कोटा है फिर ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। और यहाँ पे मैंने कैंपस की भी एक फोटो लगा रखी है, तो इससे भी आप चेकअप कर सकते हैं। बेसिकली कोर्स और जो सीट्स हैं उसका आइडिया आपको लग गया होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो एडमिशन कट ऑफ, तो एडमिशन आपका नीट यूजी और पीजी एग्जाम के थ्रू होगा। और जो सीट्स एंड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो बेस ऑन नीट 2020 जो रिजल्ट आया था उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए मैंने स्टेट, होम स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की जो टेबल है वो मैंने यहाँ लगा रखी है। वहाँ रैंक के थ्रू भी देख सकते हैं, मार्क्स के थ्रू भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जनरल की बात करते हैं, तो जनरल के जो मार्क्स हैं 560 लगभग आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो पिछले साल का डेटा है। अगर इस साल की बात करते हैं तो अगर पेपर आसान रहता है तो आपको कम से कम 570 से 580 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 580 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप नीट यूजी का एग्जाम देके क्रैक करना चाहते हैं। और आप जिस कैटेगरी में उसके हिसाब से आप अपना एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसे ही आपको स्टेट ऑल इंडिया कोटा के लिए भी है, और ये जो मैंने दोनों टेबल दे रखी है केवल यूजी कोर्सेज के लिए है, पीजी कोर्सेज मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। केवल यूजी कोर्सेज के लिए जो मैंने ये दो टेबल लगा रखी है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा, उसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जाके देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, और उससे ज़्यादा ही स्कोर करेंगे तो अपना जो एडमिशन है वो आप सिक्योर कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं फीस के बारे में, तो फीस यहाँ पे मैंने MBBS कोर्स, MD और MS दोनों की लिख रखी है यहाँ पे। PG कोर्सेज के लिए फीस यहाँ पे है, और UG कोर्सेज के लिए, MBBS के लिए भी मैंने एक चार्ट दे रखा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर MBBS कोर्स की टोटल एक साल की फ़ी की बात करते हैं, तो आपके 4,26,000 रुपये ट्यूशन फ़ी और मैथ्स फ़ी जो कि सारी की सारी एग्जाम फ़ी होती है उन सबका सम आप क्या सम करके 4,26,000 रुपये आपके लगने वाले एक साल में। बट इसमें आप बॉन्ड के थ्रू अपनी फ़ीस को एक पर एनम 50,000 तक रिड्यूस कर सकते हैं। 50,000 तक रिड्यूस करने के लिए आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जिसमें आपकी 5 साल बाद MBBS कंप्लीट होने के बाद सरकारी हॉस्पिटल्स में जो कि हिल्स में स्टेटेड है, पहाड़ों में सिचुएटेड है, वहाँ पे आपको 5 साल तक जॉब करनी पड़ेगी, सरकारी जॉब ही होगी, तो आपको उसमें पेमेंट मिल रहा होगा, पर आपको हिल्स में जाके काम करना पड़ेगा। तो वहाँ उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे
किसी भी और हॉस्पिटल में अपना प्लेसमेंट लेने के लिए, पर आपको स्टार्टिंग में अगर आप इस बॉन्ड के थ्रू मतलब अपनी एक साल की फ़ी 50,000 तक रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिसमें आपको हिल्स में जाकर जॉब करनी पड़ेगी, इसमें सरकारी स्कूल सॉरी सरकारी हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ पर आपको अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। पीजी कोर्सेज और एमडीएमएस के लिए मैंने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे सम अप करके यहाँ लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सम नहीं लिखा है, सारा काम मैं करूँगा तो यार फिर तुम क्या करोगे, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सम नहीं लिखा है, तो कैलकुलेटर में डाल के सम कर लेना। मेनली जो स्टूडेंट रहता है वो यूजी कोर्सेज के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, तो मैंने ये पूरी वीडियो को यूजी की तरफ कंसंट्रेट या फिर टारगेट करके बनाया। अब बात करते हैं कैंपस के बारे में, हमने सीट्स और फीस की बात कर ली है तो कैंपस के बारे में बात करते हैं और कौन कौन सी इसमें फैसिलिटीज़ हैं। तो कैंपस का मैंने एक सुंदर सा फोटो यहाँ पे लगा रखा है। एरिया की बात करते हैं तो कैंपस में 90 एकर्स का जो एरिया है, और वैसे भी मेडिकल कॉलेजेस के जो एरिया होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और ऊपर से ये उत्तराखंड में हल्द्वानी सिटी में सिचुएटेड है जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे 90 एकर्स का एरिया अलॉट करना भी बहुत बड़ी बात है, और 90 एकर्स का एरिया इस कॉलेज का है जो कि बहुत अच्छी बात है। कैंपस में केवल एरिया सब कुछ नहीं होता, उसके एरिया में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी बात कर लेते हैं। तो आपके 4 लेक्चर थिएटर मिल जाएंगे जिसमें 3 लेक्चर थिएटर आपके 120 सीटिंग कैपेसिटी के साथ हैं और 1 लेक्चर थिएटर आपके 200 सीटिंग कैपेसिटी के साथ है। उसमें आपके ऑडिटोरियम भी मिल जाएगा, ऑडिटोरियम में आपके बहुत अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अगर कोई गेस्ट आया है गेस्ट स्पीकर आया तो वो ऑडिटोरियम में जाके स्पीच वगैरह देगा, और जो आपके जो फंक्शंस होते हैं फेस्ट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ऑडिटोरियम में हो रही होती है। सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स की जो हॉस्टल है ऑब्वियसली, और जो एडिशनल आपको सर्विस मिल जाएंगी जैसे डेकोरेशन रूम, विजिटिंग रूम, रीडिंग रूम और इंटरनेट रूम आपको एक इस कॉलेज में प्रोवाइड हो जाएगा। हर आपके हॉस्टल में ये 4 रूम तो अवेलेबल होंगे जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, रिक्रिएशन मिल जाएगा और विजिटिंग रूम भी आपको मिल जाएगा। फुल्ली डेवलप्ड आपको बैंक की ब्रांच मिल जाएगी, उस बैंक का भी नाम क्लियर नहीं है कौन सी बैंक की ब्रांच है, पर सरकारी कॉलेज में एक बैंक की ब्रांच उस अंदर होती है जिससे बच्चों को फाइनेंशियल कोई दिक्कत ना हो पैसे निकालने और डालने की। एक ड्रॉबैक यह है कि इसमें पूरे कॉलेज में वाईफाई की कवरेज नहीं है, कुछ कुछ सेक्शन में आपको वाईफाई की कवरेज मिल जाएगी पर एंटायर कॉलेज में या फिर हॉस्टल में वाईफाई की कवरेज नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। और इसमें जिम फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, ऑल दो आप अपने जिम इक्विपमेंट अपने कमरे में ले जाकर भी ऐसे कर सकते हैं। कॉलेज के अंदर ही ये डॉक्टर सुशीला तिवारी गवर्नमेंट STC हॉस्पिटल अफिलिएटेड है जिसमें लगभग 520 से 530 बेड्स हैं, और इसमें कैंसर हॉस्पिटल भी है जिसके बारे में हम अगली स्लाइड वगैरह में बात कर रहे होंगे। तो ये कैंपस की फैसिलिटी। अब बात करते हैं हॉस्टल एनवायरनमेंट के बारे में, हॉस्टल में पर्टिकुलरली हम रूम्स के बारे में बात कर रहे होंगे, आपको रूम में कौन सी अकोमोडेशन मिली होगी। पहले बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर हल्द्वानी उत्तराखंड से आते हैं तो उन्हें उत्तराखंड के एनवायरनमेंट को इतना बताने की जरूरत नहीं है, तो मैंने जल्दी से बता देना है कि जनवरी फरवरी में आपका टेम्परेचर कम रहेगा, जून में बढ़ेगा, उसके बाद दोबारा घट जाएगा। तो इस ग्राफ के हिसाब से अपने कपड़ों की पैकेजिंग करना अगर आप उत्तराखंड से बाहर से आ रहे हैं, जो कि बहुत रेयर चांस है। अब बात करते हैं हॉस्टल में जो रूम्स हैं उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पहले तो आपका जो रूम होने वाला है वेल फर्निश्ड होगा, उसमें सारी के सारी फर्नीचर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको अवेलेबल हो रहे होंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है जैसे वुडन बेड हो गया, स्टडी टेबल, चेयर, और जो आपका अलमीरा होता है वो हर स्टूडेंट के लिए होता है। अगर एक रूम में 2 स्टूडेंट की सिटिंग कैपेसिटी है, 2 स्टूडेंट उसमें है, तो दोनों स्टूडेंट के लिए अलग अलग अलमीरा, स्टडी टेबल और जो भी फर्नीचर्स हैं वो शेयरिंग नहीं होंगे, मतलब दोनों की सेपरेट होंगे, बस वो एक ही रूम में अवेलेबल होंगे। फॉर यूजी स्टूडेंट लगभग 400 रूम्स ऐसे हैं जिसमें आपको ट्विन शेयरिंग, मतलब दो बंदे एक रूम में रहेंगे उनके फर्नीचर्स अलग रहेंगे, और इंटर्न हॉस्टल जब आप सीनियर हो जाएंगे तो आपको सिंगल रूम मिल जाएंगे, मतलब एक रूम में एक बंदा रहेगा, ऐसे आपके लगभग 200 रूम्स हैं। हर हॉस्टल में आपको वाटर प्योरीफायर और वाटर कूलर मिल जाएगा, साथ ही साथ कॉमन बाथरूम और कॉमन वॉशरूम वगैरह आपको मिल जाएगा जिसमें पर्टिकुलर फ्लोर के बंदे एक फ्लोर की कॉमन बाथरूम में जाके। तो अब बात करते हैं मैस एंड कैफेटेरिया के बारे में, तो इस मैस की एक खास बात यह है कि इसमें अच्छे खाने के अलावा सब कुछ मिलता है। ऑन सीरियस नोट, यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन आपको फूड मिल जाएगा, सारी फूड की जो है हाइजीन की जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन किए जाते हैं, और प्रैक्टिकली तो वहीं जाके पता लगेगा कितना हाइजीन मेंटेन किया जाता है, पर आपको यहाँ पे मैंने फोटो दे रखी है, फोटो से थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो मैस होगी वो कैसे होगी। ओवरऑल जो मैस की जो फैसिलिटी है वो एवरेज है, वो अब एवरेज बोल सकते हैं, सरकारी कॉलेज में थोड़े मैस की जो स्टैंडर्ड होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के मैस के कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं, पर आपको खाना ठीक ठाक मिल ही जाएगा, और नहीं तो सिटी से तो वेल कनेक्टेड है ही, बाहर जाके भी खा सकते हैं। तो ओवरऑल मैस की बात करते हैं वो एवरेज ही है। बात करते हैं अदर फैसिलिटीज़, और जो अदर इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं वो स्पोर्ट्स एंड लाइब्रेरी हो जाता है, लाइब्रेरी पढ़ने के लिए और स्पोर्ट्स खेलने के लिए। तो लाइब्रेरी की फोटो देखिए आपको पता लग गया होगा ये किसी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइब्रेरी में इतने बच्चों की भीड़ कभी होती नहीं है। सॉरी
शॉर्टकट में बात करें तो लाइब्रेरी में कौन कौन सी फैसिलिटीज और बुक्स अवेलेबल हैं, तो लाइब्रेरी में आपको लगभग 13,000 बुक्स मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि बुक्स अपडेट होती रहती है हर मंथ। सिटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 500 प्लस सिटिंग कैपेसिटी जीएमसी की लाइब्रेरी की है। और करंट जनरल्स की बात करें तो लगभग 200 आपको मिल जाएंगे जनरल्स, क्योंकि ये अभी नंबर बढ़ गया होगा, थोड़ा पुराना डाटा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक नंबर बढ़ गया होगा। और ई जनरल्स भी आपको मिल जाएंगे अवेलेबल, आपको सीडी रोम्स और पेन ड्राइव के थ्रू आपको मिल जाएंगे ई जनरल्स, और इंटरनेट में परमिशन के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी आपको पढ़ना है उसको। अदर फैसिलिटीज़ में स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करते हैं, ये भी दो, इसमें भी दो कैटेगरी में आउटडोर इंडोर। आउटडोर की बात करते हैं तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल की आपको पिचेस और फैसिलिटीज जो बॉल्स वगैरह होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल जाएंगी। इंडोर फैसिलिटी की बात करते हैं तो इसमें टेबल टेनिस और चेस आपको मिल जाएगा। अदर आपको इंडोर फैसिलिटी या फिर इंडोर गेम की आपको ज़रूरत है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके वो अवेल करा सकते हैं। और आपको यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर, लॉन्ड्री, रिक्रिएशन, विजिटिंग रूम, रीडिंग एंड इंटरनेट रूम आपको मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी अदर फैसिलिटीज़ आती हैं जो कि किसी कैटेगरी में नहीं होती, ना स्पोर्ट्स में आएगा ना लाइब्रेरी की फैसिलिटी में आएगा, तो मैं यहाँ पे अदर सी कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ। ये सारी फैसिलिटी तो हमने स्पोर्ट्स मैथ्स और कट ऑफ के बारे में हमने जान लिया। बात करते हैं मेन चीज़ जिसके लिए सरकारी कॉलेजेस फेमस होते हैं, वो है उनके लैब्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जो वो प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ जिस कॉलेज के साथ, जिस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए होते हैं उनका भी अच्छा खासा नाम होता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का आपका रिएजेंट्स व्यू या फिर स्पेसिमेन या फिर इंस्ट्रूमेंट किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलने वाली। जो आपके डॉक्टर्स होने वाले हैं, जो आपके प्रोफेसर होने वाले हैं, वो हाईली एजुकेटेड होंगे और हर इक्विपमेंट के बारे में उनको अच्छी खासी नॉलेज होगी, तो आप जितने भी डाउट्स हैं वो अपने डॉक्टर से फिर प्रोफेसर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी गवर्नमेंट एसटीजी जो आपका हॉस्पिटल है, ये भी इसी कॉलेज के थ्रू जुड़ा हुआ है, मतलब इसी कॉलेज के अंदर आता है, इसी कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जिसमें डेली ओपीडी लगभग 1600 डेली ओपीडी वहाँ पे रजिस्टर होते हैं। तो अपने प्रोफेसर के साथ वहाँ जाके आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं कि पेशेंट को कैसे पेशेंटली हैंडल किया जाता है। SRM कैंसर इंस्टीट्यूट भी आप वहाँ पे इसी कॉलेज के साथ एफिलिएटेड है या फिर कह सकते हैं जुड़ा हुआ है। तो कैंसर हॉस्पिटल का होना या कैंसर इंस्टीट्यूट का होना भी बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे आप कैंसर की स्टडी कर सकते हैं और डॉक्टर के साथ मिलकर पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं, रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं। ऑल मेजर लैब आपको मिल जाएंगे और जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी लैब अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है, इसे आप थोड़ा सा जूम इन करके देख सकते हैं। मैं सारे के सारे लैब्स के और डिपार्टमेंट के नाम तो मैं नहीं लूँ, ऑब्वियसली नहीं पता है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो मुझे सबके नाम तो पता नहीं होंगे। कॉलेज के फेस्ट की बात करते हैं तो कॉलेज में उमंग नाम का एक एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है जो कि हर साल मनाया जाता है, एक हफ्ते तक ये फेस्ट चलता है। इसमें स्पोर्ट्स वीक भी होता है उसी हफ्ते, वहाँ पे स्पोर्ट्स की और कल्चरल एक्टिविटी होती रहती है। तो जो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एंथुजियास्ट बंदे हैं वो यहाँ पे आके इस फेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। हर साल यहाँ पे फेस्ट मनाया जाता है और इसकी इस फेस्ट की भी वहाँ के एरिया में अच्छी खासी रेपुटेशन है। तो यहाँ तक हमने कॉलेज का लगभग सारा रिव्यू खत्म कर लिया है, और इसमें अभी भी थोड़े से नोटेबल पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए कॉलेज एडमिशन लेने से पहले, मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट करके। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वाईफाई की कनेक्टिविटी कुछ सेक्शन में ही अवेलेबल है कॉलेज के, थ्रू आउट जो कैंपस है उसमें अवेलेबल नहीं है। तो आपको हॉस्टल में हो सकता है कि वाईफाई की कवरेज ना मिले, आपको डेटा पैक ही लगवाना पड़ेगा आपको 200-300 रुपये का, और 1 GB जो 1.5 GB आपको मिलता है उसके हिसाब से आपको ऑनलाइन जो वीडियोज़ वगैरह स्टडी से रिलेटेड देखनी है वो देखनी पड़ेंगी। तो और कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ड्रॉबैक इस कॉलेज का है, पर ये एज सून एज पॉसिबल है कॉलेज अवेल करा रहा होगा स्टूडेंट्स को। हॉस्टल में जो टाइमिंग है वो प्रिटी सिमिलर है और कॉलेज की, जो कर्फ्यू टाइमिंग रहते हैं आपको शाम की, जो लड़कियों के लिए कर्फ्यू टाइमिंग अलग रहता है, लड़कों के लिए कर्फ्यू टाइमिंग अलग रहता है। ओवरऑल आपकी रात को 9 बजे के बाद कॉलेज में हॉस्टल से आप बाहर नहीं निकल सकते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बिजी शेड्यूल्स आपका रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट के कुछ सेमेस्टर में आपका लोड है वो बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली बिजी शेड्यूल रहेगा, डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लोड झेलना तो पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फी कंसेशन, अगर आपको फीस कम करानी है तो एक बॉन्ड सिग्नेचर करना पड़ेगा जिसमें आपको 5 साल तक पहाड़ों में जाके जॉब करनी पड़ेगी और पहाड़ों की जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको सर्विस देनी पड़ेगी। और अगली बात ये है कि जो सिटी से अच्छे खासे से कनेक्टेड है, किसी कॉलेज में ये होता है कि दूर दरंग पता नहीं गाँव में बने हुए, कॉलेज के अंदर का माहौल अलग है और बाहर गांव बसा हुआ है, कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो जो कनेक्शन बनता है वो थोड़ा बेकार हो जाता है। अगर कोई फैसिलिटी कॉलेज के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा सिटी में उसको अवेल करने के लिए या फिर कुछ खरीदने के लिए, आप समझ रहे हैं। तो सिटी से भी अच्छे से कनेक्टेड है तो सारे के सारे जो कनेक्टिविटी के इशू है तो ऐसा कोई इशू ऐसा नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे जो मेरे को कॉलेज के लिए नोटेबल पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ओवरऑल हमने कॉलेज का पूरा रिव्यू खत्म कर लिया है जिसमें हमने
जिसमें हमने कनेक्टिविटी से स्टार्ट करके हॉस्टल मेस कट ऑफ एडमिशन, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज फेस्ट और सारी की सारी जो अदर फैसिलिटीज उसको कवर कर लिया है। अगर कोई फैसिलिटी मुझसे मिस हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी यहाँ मैंने चैनल की इंस्टाग्राम हैंडल दे रखी है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे को डीएम कर सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलेज का रिव्यू चाहिए हो तो वहाँ पर मैं उसे अपडेट कर दूँगा, उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा। कमेंट सेक्शन में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी जाकर पूछ सकते हैं, वहाँ पर फॉलो करो, वहाँ पर हम मीम्स वगैरह भी डालते रहते हैं। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।